टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी टीजीटी पीजीटी के हिंदी साहित्य अनुरागों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक क्वेश्चन सेट पर बात करेंगे। इसके पहले विगत की कक्षाओं में मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए हैं, यानी पार्ट वन मैंने कराया है और पहले चैप्टर का यह दूसरा टेस्ट है जिसको आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसको बता ले जाएंगे, क्योंकि कारण यह है, एक प्रकार से यह समझिए कि यह टेस्ट जो है यह आउट आउट इन द सेंस है कि यह विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, यानी हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो है आए हुए जो प्रश्न हैं उन्हीं को हम इस समय करवा रहे हैं। इसके बाद की जो हमारी टेस्ट की प्रक्रिया है कि जैसा मैं आपसे बताया कि हम पहला टेस्ट लिखित करवाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और तीसरा भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वो मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन होते हैं कि जो पूछे जाने की संभावना उनकी रहती है। तो आइए चलते हैं, हम अपने इस प्रक्रिया पर काम करते हैं, इस प्रक्रिया पर बात करते हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो प्रश्न लिया गया है अध्याय एक का है, हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न टू यानी दूसरा है और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने होता है। पहला क्वेश्चन यहां पर आप ये देखिए कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, यानी पुरानी हिंदी मैंने आपको बताया था कि ये किसने दिया पुरानी हिंदी, तो आपको मैं लिखित टेस्ट भी जब कराया तो उससे आपको बेटर तरीके से पता भी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यह सिंगल इन्वर्टेड कामा गुलेरी में लगेगा, यानी यह इसको किसने नामकरण किया पुरानी हिंदी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। इसके बारे में हम आपसे क्लास में डिस्कशन भी, यानी जब मैं आपको लिखित में करा रहा था तो उस पर मैंने बताया भी था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर दो क्या होते हैं इसको देखा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन कुछ मिलान का है, यानी पूछा गया है इसमें मिलान से रिलेटेड पूछा गया है और इसको देखा जा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट यहां दी गई है और यहां पर सूची सेकंड दी गई है। तो क्या कहा गया है, सूची फर्स्ट में हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये आपसे पूछा गया है कि ये कौन लिखा है ऐसा, इसके रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, अब तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया है कि किसने लिखा नया इतिहास को, किसने लिखा, बच्चन सिंह ने लिखा, यानी हम क्या करें इसके आगे पांच लिख दें, यानी ए का क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, यहां बच्चन सिंह हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, मैंने बताया कि साहित्य को विज्ञान की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखने वाला वह व्यक्ति होता है कौन, यह गणपत चंद गुप्त होते हैं, यानी ए फाइव बी टू होता है। वैसे अगर विकल्पों पर देखेंगे तो ए फाइव और कहीं नहीं है बल्कि किसमें है, यह विकल्प ए में ही है, तो यहीं से सही हो जाते हैं, लेकिन एक बार जल्दीबाजी मत करिएगा, पूरे ऑप्शन को मिला लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना की बात जब होती है तो कौन करता है, मैं आपसे बताया हूं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखते हैं, राम कुमार वर्मा लिखते हैं और इसी पर इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, हिंदी साहित्य की आलोचना पर ही नागपुर विश्वविद्यालय से ये क्या पाते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि पाते हैं, यानी कि यह 1938 में लिखा गया है, जिसके बारे में हम जब राम कुमार वर्मा को आपको बताए हैं तो आपको इसके बारे में हम डिटेल बात किए हैं, यानी ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, साहित्य और संवेदना की बात हो रही है, साहित्य में वैसे संवेदना ही होती है, तो इसको किसने लिखा और ये संवेदना मैंने बताया भी है, संवेदना साहित्य के साथ संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का
ये पुस्तक होता है, कौन? राम ने समझा। तो यानी यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो होते हैं वह रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1986 में लिखते हैं। कब? 1986 में इसको लिखते हैं। तो ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं आपको। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? यानी आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माने हैं? यह नेट के सेकेंड पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको मैं जब रामचंद्र शुक्ल बताया हूँ तो उसमें हम रामचंद्र शुक्ल के साथ इसके बारे में मैं डिटेल से बात किया हूँ कि इन्होंने प्राकृताभास यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था को ही क्या मानते हैं, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से क्या मानते हैं। यह हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं, यानी वहीं से हिंदी साहित्य का विकास होता है और इसे प्राकृताभास हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृताभास हिंदी भी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। चलिए अगले पर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला 4 होता है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? अच्छा, यहाँ जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो नहीं को तुरंत बॉक्स में एक बंद कर दीजिए ताकि इस पर हमेशा ध्यान आपका रहे, नहीं तो एग्जाम में होता क्या है कि इस पर आपका ध्यान विस्मृत हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो किसने नहीं लिखा है आपको पता होगा, ये किसने ने लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखे हैं। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि इसका क्या किए हैं, 1973 में संपादन ये करते हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का इन्होंने संपादन किया है, न कि लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और बाकी सभी लोगों ने लिखा है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? यानी मैंने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं का तो तुरंत इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। कह रहे हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। मैंने आपको इस बारे में डिटेल बात भी किया है, कब? 1893 में क्या होती है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है, यानी कहां पर? काशी में होती है। इसको नागरी प्रचारिणी सभा भी कहते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? राधा कृष्ण दास होते हैं। जो मैंने बताया कि ये हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई भी थे। मैं जब आपको आधुनिक काल यानी समग्रता बता रहा था वहां पर भी इस बात की मैं जिक्र किया था। और इसके संस्थापकों में जो शामिल थे वह कौन कौन से शामिल थे? वह श्याम सुंदर दास शामिल थे, ये शामिल थे श्याम सुंदर दास। और शिव कुमार सिंह भी शामिल थे, यानी ये भी शामिल थे। राम नारायण मिश्र भी शामिल थे। शामिल कौन नहीं था? रामचंद्र शुक्ल जो है ये शामिल नहीं थे, ये संस्थापक नहीं थे, बल्कि जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका इन्होंने लिखा है जो श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित ग्रंथ होता है उसी पर ये बात करते हैं, यानी ये संस्थापक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए यानी इसका उत्तर हो जाता है क्या? इसका उत्तर डी हो जाएगा, नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या होते हैं आपको 6 आते हैं। 6 नंबर कहता है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बेहतरीन क्वेश्चन है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा कहने वाले निबंधकार, कथाकार, सब कुछ जो उपाधियां दे लीजिए, ऐसा कहने वाले मात्र एक होते हैं, वह बालकृष्ण भट्ट जी होते हैं। यानी इन्होंने कहा साहित्य जन समूह के
हृदय का विकास है, जबकि जनता की चित्रवृत्तियों के आधार पर किसने बताया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तो यहाँ साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किस निधि, ये बालकृष्ण भट्ट जी ने दिया है, यानी ऑप्शन बी इसके क्या होते हैं, सही होते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए, आपको सही क्रम बताना है कि क्या है। ठीक, देखिए जब भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्रम से रिलेटेड आता है, यानी क्रम संबंधी क्वेश्चन कभी आता है, तो आपको सभी विकल्प पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, करने का ये अपना अपना तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको करना क्या है, जो भी इसमें ऐसे प्रश्न में से ऐसा होते हैं जो पहला विकल्प होता है, उसी को आपको पढ़ना होता है और पढ़कर वहीं से आप निश्चित कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये नहीं है कि जो पढ़ेगा ही नहीं वो भी कर लेगा, यानी आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कैसे, सभी चारों विकल्प मत पढ़िए। देखिए आपको बस एक विकल्प पढ़िए, कोई भी विकल्प उठा करके, चाहे डी चाहे सी चाहे बी चाहे ए, जो इच्छा करें वो विकल्प उठा करके पढ़िए, क्योंकि जो विकल्प डी रहेगा वही विकल्प बी रहेगा, यानी उन्हीं कवियों का रहेगा, उन्हीं रचनाकारों का रहेगा। ये नहीं है कि अलग है, अगर यहाँ मिश्र बंधु है, यहाँ मॉडर्न नाक लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, शिव सिंह सरोज है, इस्तवार दलाल हिंदू हिंदुस्तानी है, अगर ऐसा है तो ये मत सोचिएगा कि इसमें बदल जाएगा, इसमें भी वही रहेगा, बस रहेगा क्या कि यह पलट जाएगा, कुछ उसमें आगे कुछ इसमें आगे, ऐसा ही आपका कुछ यह क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो आपको उत्तर देखना है। तो यहां पर का सही क्रम पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए, मिश्र बंधु विनोद पहले है, आपको मैंने बताया है हालांकि 1913/34 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन होता है, डिटेल्स इसके बारे में मैंने बताया है। फिलहाल इतना तो आप जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रियर्सन का पहले है, या शिव सिंह सरोज का पहले है, या इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी पहले है, कौन सा पहले है, बस इतना बता दीजिए, यही चारों विकल्प रहेगा, घुमा करके हर में रहेगा। तो आपको इतना तो पता है ना, एक विकल्प, चलिए मान लेते हैं सभी नहीं पता है, एक विकल्प तो पता है कि कौन सा पहले होगा, तो आपको पता है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा दत्तासी, यही से हिंदी साहित्य का आरंभ ही होता है, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखा, इतना तो पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि ये पहला इतिहास लिखे हैं, यानी पहला इतिहास लिखे तो पहला तो यही आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। तो पहला जब यही आए हैं तो पहला देखिए इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी किस विकल्प में है, यही देख लीजिए, अगर दो विकल्प मिलता है तब अगले पट पढ़िए, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। अब यहां देखिए इस्तवार द ला लिटरेचर, यानी पहला विकल्प मिला बी में, पहला है, चलिए यहां पर शिव सिंह सरोज है, खत्म, इनका आएगा नहीं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है, ये आएगा नहीं, मिश्र बंधु आएंगे नहीं, यानी पहला विकल्प बी में पहला ही है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, यानी पहला ही ये पुस्तक है, इसलिए बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि पहला और सही कालानुक्रम पूछ रहे हैं, इसके बाद आप यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भले ही आप शिव सिंह सरोज का अब न जानिए, भले ही आप मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का आप न जानिए, मिश्र बंधु विनोद का न जानिए, हालांकि ये सब ऐसी पुस्तकें हैं कि जिसको आपको जानना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है और आपके इसके प्रकाशन को नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहिए, ऐसा है कि इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, यानी ये आपके होते हैं बी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहते हैं भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। मैंने इसके बारे में, मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों के बारे में, सभी जितने हैं लिखित टेस्ट में आपसे बात हो चुकी है, कौन, महेश दत्त शुक्ल, कब ये लिखते हैं, 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने इसका प्रकाशन ये करते हैं, यानी 1873 में, मैंने आपको बताया है यह भाषा काव्य संग्रह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक, हिंदी साहित्य का अतीत यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो आपको पता है किसने लिखा, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यानी बीपी मिश्र ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में यह लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया है और ये ऑलरेडी TGT 2013 भी पूछा गया है और यह UGC यानी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है, ऐसा ये पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार यह पुस्तकों का क्रम पूछा गया है, हालांकि ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, लेकिन आपको चूंकि क्वेश्चन बन चुके हैं और थोड़े से ऐसे जो फैक्चुअल होते हैं इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं इसके बारे में बार बार आपसे चर्चा भी करता रहता हूं। तो फिर वही प्रक्रिया, मैंने कहा कि एक ऑप्शन को पकड़िए और एक ऑप्शन से क्या करिए आप बता ले जाइए। जैसे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा, बड़ा ही फेमस है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा जाता है, सुमन राजे जी ने लिखी है यह इस पुस्तक को। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कब लिखी है, ये 2003 में लिखती हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये भी आपको जानना चाहिए, कितने लिखा है, यह 1996 में बच्चन सिंह ने, 1996 में कौन लिखता है, ये बच्चन सिंह लिखते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसने लिखा है, ये बड़ी फेमस पुस्तक है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 1920 में यह लिखी जाती है, 1920 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये होती है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको भी आपको जानना चाहिए कि ये कौन लिखता है इसको, हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। यहां पर मैंने आपको बताऊं कि यह चारों पुस्तकों के बारे में आपने जान गया, यानी 1986 में यह लिखा जाता है। आपको यहां पर ये तो हम नहीं कहते हैं कि हो सकता है आपको चारों न पता है, लेकिन इतना तो पता होगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तो पता होगा। तो अगर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास क्या 2003 में लिखी जा रही है, ये तो आपको जानना चाहिए, सामान्य बात है। और आप देखे होंगे कि जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाया है उस लिस्ट में 2003 के बाद से कोई बहुत ऐसे नहीं है कि जिसको शामिल किया जा सके। तो आपको इतना जानना चाहिए 2003 ये तो सबसे लास्ट है, यहां तो सबसे लास्ट है। और 1920 में चूंकि मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, ये भी डिटेल से पता है। दो अगर जानते हैं, नहीं दो जानते हैं तो ये जानते हैं ये सबसे लास्ट में है। तो आप ये देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने जो लिखा है वह सबसे लास्ट में आना चाहिए, किस विकल्प में सबसे लास्ट में है, अगर ऐसा आपने निकाल लिया तो देखिए यहां पर बी ऑप्शन में देखिए कहां पर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, और कहीं देखिए सी ऑप्शन में है मध्यकालीन बोध का स्वरूप नहीं है, डी में देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नहीं है, यानी डी में बी में क्या है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो यहां पर क्या ए ही आपका विकल्प क्या हो जाएगा सही। अब आप देख लीजिए मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1920 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 यह सुमन राजे ने लिखा है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षक बनना है वो भी सम्मानित तौर पर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यूं ही आप वो नहीं बन पाएंगे। देखिए हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन GIC PGT 2009 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका इस नाम से कोई पुस्तक लिखी ही नहीं जाती है, चार विकल्प दिए हैं और चार विकल्पों में से इस नाम से कोई पुस्तक
नहीं लिखी गई है, बल्कि हिंदी साहित्य की भूमिका होना चाहिए। अगर ये होता तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 1940 में लिखते हैं ये सही हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कोई पुस्तक नहीं है कि इस विकल्प में आपको सही किया जाए, इसलिए इस विकल्प में जो क्वेश्चन पूछा गया है यही गलत ही क्वेश्चन है। भले ही इसका आयोग जो है उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी माना, लेकिन पुनः डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए इसका उत्तर अगर कभी आता है तो साहित्य काट दीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स से बताया था कि इन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आगे चलते हैं, हालांकि 1952 में भी ये पुस्तक लिखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन होता है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सप्तम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। आपको बताना है कि यानी किस में सबसे पहले काल विभाजन मिलता है। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बात किया है कि किसके में पहली बार 11 भागों में काल विभाजित होता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये पुस्तक होता है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो अपना ग्रंथ लिखा इसी में इन्होंने 11 भागों में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। इसी का अनुवाद 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने आपका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से क्या करते हैं, और आपको इसके बारे में हमने जिक्र भी किया है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। अच्छा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर जो मैंने बताया कि नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा यह इसका प्रकाशन होता है, हिंदी शब्द सागर यह एक कोश ग्रंथ है जो श्याम सुंदर दास के द्वारा यह लिखा जाता है। लेकिन इसकी भूमिका जो है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इसकी भूमिका लिखते हैं। अलाहाबाद में चल करके 1929 में ही चल करके एक स्वतंत्र ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास यह लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल, जो बड़ा ही फेमस पुस्तक होता है। और ये माना जाता है कि बिना इसके पढ़े आपकी नैया पार नहीं लगती है, तो इसको पढ़ना आवश्यक होता है। हालांकि आप इसको ले करके थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, फिर इस पर हम आपसे क्लास में बीच बीच में बात करते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है जो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में क्या यहाँ पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहते हैं 14 क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। अभी मैंने बताया कि 1929 में ये क्या होते हैं प्रकाशित, अलग एक ग्रंथ के रूप में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। आपको बताना हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन होते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्गम हो रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम यह किसके द्वारा, उदय नारायण त्रिपाठी के द्वारा इसका हो रहा है। उदय नारायण उद्गम हो रहा है, तो उदय यहां हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है। अगर यही हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास होता तो पुनः कौन हो जाता, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1952 में हो जाते, लेकिन हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है तो इसलिए क्या हो जाते हैं, या उदय नारायण तिवारी जी ने इसको लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है। अच्छा, नवरत्न का तो मैंने आपको बताया है, चूंकि नवरत्न है इसलिए 1910 में लिखे जाएंगे, नवरत्न है तो 1910 में ये लिखे जाएंगे। और मैंने इसमें बताया कि ये मिश्र बंधु ने 1910 में हिंदी नवरत्न लिखते हैं, और इसको 3 भागों में यानी इसमें 9 कवियों का वर्णन करते हैं, जिसको बृहत्तरी मध्यतरी और लघुतरी में विभाजित करके आपसे बात करते हैं।
हमने डिटेल भी इसके बारे में आपसे चर्चा भी किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? अच्छा, कौन मिश्र बंधु में नहीं है? यह 2008 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है और यह 13 में भी, यह यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में भी पूछा गया है। कह रहे हैं मिश्र बंधु में नहीं है तो आपको बताना है, तो आपको मैंने बताया था गणेश, ठीक है, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, यह आपके क्रम है, इसको क्रम मानिएगा। तो गणेश श्याम सुख यानी गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी हैं, कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। देखिए मैं, आप भिन्न भिन्न विद्वान हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे शिक्षक हैं सभी लोग, किसी की आलोचना नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से आप पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई क्रमता नहीं मिलता है तो जिसको जैसे लगता है वैसे बता देता है। कहीं ये प्रमाणिक, मैंने आपको मिश्रबंध विनोद को भी देखा, लेकिन कहीं मैंने उस समय भी मिश्रबंध विनोद पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि ये कोई ऑथेंटिक रूप से नहीं मिला है, लेकिन जब भी मैं मिश्रबंध विनोद को देखा हूं तो जब उसमें देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मिश्रबंध विनोद की जो पुस्तक है उसमें गणेश बिहारी पहला ही नाम आता है, इसके बाद श्याम बिहारी, फिर सुखदेव बिहारी का नाम आता है। कहीं किसी भी पुस्तक में पहले श्याम बिहारी नहीं आते हैं, जबकि यहाँ के कुछ लोग तथा कथित, यानी जो भी आप कह लीजिए, श्याम शुक और गणेश बताते हैं, जो पूर्णतः गलत होता है, ये सही नहीं है। जब भी आप कहीं पर सर्च करने या खोजने का प्रयास करेंगे तो गणेश बिहारी ही पहले यानी सबसे बड़े भाई के रूप में यही आते हैं। तो अगर कहीं या किसी पुस्तक में देखेंगे तो आपको इसी क्रम में लिखा हुआ भी मिलेगा और यही क्रम आप मानिएगा भी कि यही क्रम होगा, यानी गणेश श्याम और शुक के रूप में याद करिएगा, ना कि आप पहले श्याम बिहारी को रखिए, पहले गणेश बिहारी को रखिएगा। इन्हीं से वंदना हो रही है, इस प्रकार से याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि गणेश से ही वंदना स्टार्ट होती है अमूमन तौर पर, ना कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो यहीं से आप इनका शुभारंभ भी मानिएगा। हालांकि इन तीनों के रचनाओं को पार्थक्य करना बड़ा दुरूह कार्य है, लेकिन फिर भी आप जो है इनको इस क्रम में मान सकते हैं, इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र ये नहीं शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर, अच्छा हिंदी शब्द सागर है या शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनः यह क्वेश्चन दूसरे रूप में घुमा करके पूछा गया है और बिना इनके पूछे तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य अधूरा हो जाता है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल को किसी न किसी रूप में आपको पूछा जाना है। तो यहां ये भी डिग्री कॉलेज में 2013 में ही पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किसने लिखा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित था परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास, अच्छा किस शीर्षक को, मैंने बताया भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास इन्होंने लिखा है, तो किसमें हिंदी साहित्य का विकास इन्होंने लिखा है और इसी को परिवर्तित कर क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में यह लाते हैं, तो जो बड़ा फेमस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो भी संभवतः मैंने झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है, यानी पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक आपको मैंने बताया है चंद्रदत्त शर्मा, ये गुलेरी जो है आप ये लिखते हैं पुरानी हिंदी पुस्तक को ये लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, इसको देखा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन सा है। वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको नहीं बताएंगे तो किसको आप बताएंगे, यानी इस क्वेश्चन नंबर 20 को आपको बताना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ आपको डाउट होगा, यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से सारी बातें होती हैं, आपको कौन है
गारशा द तासी। अब तक आप लोगों का उत्तर लग चुका होगा, यानी पुनः इस्तवार दला लित्रित्यूर 1839 की बात हो रही है, 1847 की बात हो रही है, 1871 की बात हो रही है। ये प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण। ये द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण में ये तीन भागों में विभाजित होता है, प्रथम संस्करण में दो भागों में यह विभाजित होता है। तो यानी संस्करण के रूप में देखेंगे तो दो बार हुआ है, जबकि ये तीन भागों में विभाजित है। पहली बार हिंदी साहित्य लेखन का है यहां से प्रयास किया गया है। चलिए यहां क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अच्छा, ये मिश्र बंधु की बात हो रही है। अभी मैंने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी के बारे में आपको बताया है। इन्होंने क्या किया है, हिंदी शब्द सागर तो आप जानते ही हैं कि नहीं लिखे, शिव सिंह सरोज भी नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी नहीं लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं 1913 में, अवलिक 1934 में, 13 में जो है तीन भागों में, 34 में एक भागों में यह क्या करते हैं, इस पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। अच्छा, साहित्य इतिहास के संदर्भ में यह कथन है, स्टेटमेंट है, क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये डॉट डॉट लंबा स्टेटमेंट है। जनता की चित्तवृत्तियों की संचित प्रतिबिंब किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल। जब उठाएंगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास, यहीं से आपको स्टेटमेंट से ही यह पुस्तक प्रारंभ होती है। तो आप जो है, यानी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार जनता की चित्तवृत्तियों के यानी आधार पर इन्होंने साहित्य को देखा है और लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी संगत नहीं है, असंगत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, यह राम कुमार वर्मा, आपको पता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने, वैज्ञानिक गणपत चंद्रगुप्त ने, ये भी ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये कौन सा लिखा है, ये बच्चन सिंह लिखे हैं, ये हजार प्रसाद द्विवेदी हैं, जो गलत हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ये तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आपको जानते हैं। यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये हजार प्रसाद द्विवेदी न लिख करके किसने लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है, इसको आपको पता भी है। यानी आपका बी विकल्प क्या है, असंगत है, सॉरी सी विकल्प असंगत है, यानी यहां पर असंगत है, यानी कूट मेल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया। अच्छा, हिंदी गद्य का जब उद्भव काल होता है, यानी आधुनिक बात की बात हो रही है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है। यह संस्कृत निष्ठ हिंदी पक्ष लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह की यह बात हो रही है, इन्होंने लिया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अलग से भी, यानी यहां से नहीं है, इस चैप्टर से नहीं है, फिर भी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है, आ गया है तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है। हालांकि इसके बारे में अभी हम पढ़े नहीं हैं, यानी आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए अपेक्षा तो यह है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं इसका उत्तर दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले में उत्तर दे लेंगे, तब तक मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपसे इसमें देखिए जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, अभी ये आए हैं आएंगे ही नहीं तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊं। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं और ये प्रयास करेंगे ऐसे ही उन्नत व्यवस्था में ही हम लोग काम करते हुए चलें, ताकि आप भी प्रसन्न रहें और हम भी प्रसन्न रहें। उद्देश्य एक है, आपका सिलेक्शन लेना, और मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन करवाना। तो उद्देश्य जब एक है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी। यहां देखिए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, 1800 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना।
अभी मैं संस्थाओं के बारे में आपको जो वीडियो जारी होगी वीडियो मैं ये भी बताऊंगा, यानी इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं बताया नहीं है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने, मार्क्विस वेलेजली ने, तत्कालीन गवर्नर जनरल रहते हैं, इन्होंने यही करते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये आपके, हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इसकी स्थापना कब हुई है। डिटेल अभी जो है मैं जब संस्था पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपसे बात करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है। आप इनको चाहे निबंधकार कहिए, चाहे वैज्ञानिक उपन्यासों का सम्राट कहिए, या जो आपको कहना है वह इस महान साहित्यकार को आप कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी जिस प्रकार से यह जब क्रोध लगता है यानी भोजन करते हैं तो उसमें वह और तीखापन ला देता है आचार या मुरब्बा और टेस्ट बढ़ा देता है, वैसे ही जब बैर होता है, दुश्मनी होती है, तो ये जो है क्रोध उसमें जब आ जाता है तो उसमें और टेस्ट बढ़ा देगा। टेस्ट जब बढ़ा देगा तो और आप उत्तेजित हो जाएंगे और उस समय आप अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे, अनाप शनाप की बातें आप लगेंगे करने, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहने लगेंगे, यानी कि हम अपने मूल मंतव्य से भटक जाते हैं। जिस काम के लिए बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे चैनल पर भी देखा है कि अपनी शिक्षा प्रणाली को आप सुधार करिए, शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करिए, अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करने का बात करिए, तमाम लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो केवल अपनी बात नहीं है, हम अपनी संशोधन करने की बात नहीं है, केवल दूसरों की बुराई तमाम ओर करने में लगे हुए हैं कि फला जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हमारा अपना मानना है कि कमेंट क्या करना, जब हम इतने ऊंचे उठ जाएं कि पुनः हमको किसी के बारे में बोलने की आवश्यकता ही ना रहे, तो आपका उद्देश्य है, आप भी पढ़ने, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आप पहली बार पढ़ने आ रहे हैं तो अगर 10 साल का मठाधीश आएगा, 10 साल जो मान लीजिए 10 साल से तैयारी कर रहा है और पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये नजीर देगा कि वो 10 साल से और तुम पहली बार से तैयारी करो, तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा ना। क्या ऐसा अगर है, शिक्षा किसी की बपौती है, नहीं है। शिक्षा जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, यहां ना उम्र की, ना आपको जन्म की, ना जात की, ना वंश की, ना कुल की, किसी की ये दास नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे जिस उम्र में, जिस अवस्था में आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। आपको बस अपने अंदर सुधार करने की यह जरूरत है, जब जागे तभी सवेरा, इस कॉन्सेप्ट पर चलते हुए आप अपने विचारों को उन्नत करिए, आप अपने जो स्टेटस है यानी मानसिक जो लेवल है उसको उन्नत करिए और सिर्फ एक पर फोकस करिए कि एनी हाउ आपका सिलेक्शन हो, कैसे होगा ये अलग बात है, आप स्वयं से भी पढ़कर कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लेकिन इस बार की मैं इतना ही कहूंगा कि इस बार का ये जो एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसमें अगर आप शरीक होते हैं तो तन मन धन से शरीक होइए, यूं ही आप जो पिछली कमियां हैं सारी कमियों को दूर करते हुए आप बैठिए और जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो नो डाउट बेहतर तरीके से अपना स्ट्रेटजी के साथ वो काम कर रहा है, तो इस स्ट्रेटजी पर भी आप काम उसके साथ लगिए तो आपको बेहतर सफलता मिलेगी। तो ठीक है, आज जो है इतना ही क्वेश्चंस है, यानी आज मैं ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 26 क्वेश्चन लिया गया था, लिया क्या गया था, इसके पहले आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट आपका है, तो यानी आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला क्या होती है, एक पहले चैप्टर से समाप्त होती है।
अब जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं क्वेश्चंस उस पर हम बात करेंगे और ये आशा करेंगे आप विद इन सेकेंड उत्तर देंगे। तो ठीक है, यानी पूरा मेरी मुलाकात होती है अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर के। तब तक के लिए आपको सजगता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक यानी इसमें लगना होगा और अपनी सीट को सुरक्षित करना होगा। और इस सुरक्षा में बस मैं इतना कहूंगा कि मेरे साथ जुड़ेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते नहीं नहीं आप पर प्राप्त नहीं करेंगे, आसान हो जाएंगे। बेहद तरीका आसान का अच्छा एक माध्यम हो जाता है तो आपके लिए वो सुगम बनाता है। तो चलिए पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। जय हिंद।